हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ मस्ती सचिन सर। तो आइए देखते हैं क्लास 10 में प्रश्न 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो चल रहा था द्विघात समीकरण में। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये हमने बोर्ड पर बनाया हुआ है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। कोण नाम दिया है तो नाम दे देते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। समकोण त्रिभुज होता है ये डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई हमारी कौन सी हो जाएगी, ये ऊंचाई हो गई और नीचे ये हमारा क्या होता है आधार, और ये जो बड़ी भुजा होती है क्या होती है कर्ण। तो लिखा हुआ है त्रिभुज की ऊंचाई, जो इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब है जो ऊंचाई दी गई है यहां पर, ऊंचाई जो होगी वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। तो हमें क्या करना है, और कह रहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर कम हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यहां पर है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कर्ण हमारा दिया गया 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है ऊंचाई और आधार। तो हमें ना ऊंचाई दी है ना आधार दिया, क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है कि आधार से ऊंचाई 7 कम है। तो हम मानेंगे आधार को, अगर मान लेंगे तो जिसे मान लेते हैं आधार को हमने x मान लिया है। अब क्या करें, x मान लिया तो x से ऊंचाई घटाएंगे, तो x से -7 कर देंगे, जो बचेगा मान वही हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना, हर लिखते हैं माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर एक्स सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, ये हमारा एक्स सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है ऊंचाई, तो लिखेंगे तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या कह रहा है आधार से 7 कम है, कह रहा आधार से 7 कम है। ये देखिए पॉइंट, आधार से 7 कम है तो एक्स से 7 कम हो गया, एक्स से 7 कम हो गया। तो यहां पर आ जाए एक्स माइनस 7। तो कह रहा अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, सबके कर्ण 13 दिया, ऐसे ही कोई अचर पद होंगे जो x होगा और y होगा, सॉरी x माइनस 7 होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या, आधार दिया गया, कर्ण दिया गया, ऊंचाई दी गई, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सभी को पता है कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है, और धन क्या होता है आधार का वर्ग। तो ये हो गया, तो कर्ण हमारे पास कितना दिया गया 13, तो 13 का हम वर्ग कर देंगे। लंब हमारा कितना दिया x माइनस 7, x माइनस 7 का हमने वर्ग कर दिया, प्लस आधार दिया x, x का वर्ग हो गया। अब देखो 13 किसका पूर्णांक होता है 169 का, उसके बाद में x माइनस 7 दिया था, a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे यहां पर, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग होगा 49 माइनस का 2a 14 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 49 को इधर लेकर जाएंगे, तो 169 माइनस 49 एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों के जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 40x हो जाएगा। इसमें से क्या कौन मिल जाएगा, 2 कौन मिल जाएगा, पहले इधर घटा 9 से 9 जाएगा 0, 6 से 4 जाएंगे 2 और 1, बराबर में क्या 2 इधर कॉमन लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14x, 2 2 2 6 12 60 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये माइनस का 60 है तो हमारा दूसरे पक्ष में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब हमें 60 के क्या निकालने, फैक्टर करने, तो 60 के फैक्टर यहां पर कर लेते हैं तो क्या जाएगा 2 3 6 0, 2 1 2 2 5 10, 3 से कटेगा 3 5 15, 5 1 5, हमें घटाने पर कितना लाना है 7 लाना है, और
गुणा करने पर उन्हीं के तो हमें कितना लाना है 60 लाना है। तो कैसे करेंगे देखो 5 और 3 तो क्या हो जाएगा, या ऐसा कर 3 टू जा 6 5 टू जा 10 ऐसे भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दिया गया है तो हम करेंगे देखो फैक्टर माइनस क्या होगा 2 × 2 × 3 × 5 5 × 3 15 15 30 × 60 तो अब देखो जुगाड़ लगा उसमें कैसे हम कि 7 आ जाए घटाने पर लगेगा क्योंकि माइनस यानी 7x के बाद में माइनस का चिन्ह दिया तो घटाने पर ही होगा। तो किससे करेंगे हमें लाना है 7 तो किससे करें बताओ भाई 5 × 2 = 10 × 3 = 6 अगर 10 से तभी नहीं बनेगा अगर 2 × 3 = 4 चाहते हैं 12 12 से अगर 5 घटा दें 12 से अगर 5 घटा दुखते बच्चे 7 × 12 होते हैं तो 7 अब क्या हो जाएगा 12 × 5 कितना होता है 60 बिल्कुल मिल गया यहीं से। तो देखते हैं आगे इसको रफ कर लेते हैं दिया हुआ है एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस तोड़ेंगे 7x तो कितना आ जाएगा 12 − 5 एक्स हो जाएगा माइनस का 60 = 0 तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर से चीनी की गुणा इधर से चरपत की गुणा 12 और एक्स की गुणा कितनी जाएगी 12x माइनस माइनस प्लस 5 और एक्स की गुणा क्या देगी 5x माइनस 60 = 0 तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा एक्स तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 का मिलेगा तो इसमें एक्स माइनस कितना हो जाएगा 5 × 5 = 5 × 5 = 10 एक्स माइनस 12 = 0 इधर हो जाएगा एक्स माइनस 12 और इधर हो जाएगा एक्स प्लस 5 = 0 एक्स माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं और एक्स प्लस 5 = 0 तो इधर क्या जाएगा एक्स बराबर 12 हो जाएगा ये इधर क्या जाएगा एक्स बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमने बताया था कि जो माइनस के मान निकलते हैं द्विघात समीकरण में वो मान्य नहीं होते हैं जो प्लस का मान होता है वही हमारा मान्य होता है। तो लिखेंगे आता जो हमने माना था त्रिभुज का आधार आता त्रिभुज का आधार कितना हो जाए एक्स था एक्स का मान कितना है 12 अतः त्रिभुज का आधार 12 है तथा ऊंचाई अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी ऊंचाई में क्या होती है एक्स माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 हो जाएगा तो 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 7 × 12 5 हो जाएगी यही हमें निकालना था। अब ये हमारे पास कितनी हो गई ये 5 आ गया घटाने पास यानी 12 माइनस कितना था 7 12 − 7 तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा और इधर ही हमारे पास कितना जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया भुजाएं दोनों निकल आई एक 12 आई दूसरी 5 और तीसरी पहले से 30 दी हुई थी ठीक है। हाँ तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि बर्तनों की संख्या है तो कुछ बर्तनों की संख्या निर्माण एक दिन में बर्तनों की संख्या बनती है उसमें कितनी लागत आती है जितने बर्तन है उसी हिसाब से कितनी लागत आ रही है तो हम लिखेंगे क्या माना बर्तनों की संख्या क्या लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या साल डालेंगे लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी एक्स ये संख्या हो गई। अब कह रहा है जितने संख्या बर्तन जितने हैं उन बर्तनों की लागत की तो लिखेंगे बर्तनों की लागत बराबर कितना हो जाएगा क्या कह रहा है कह रहा देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है रुपए उस दिन निर्माण के जैसे ये दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दो बर्तनों की संख्या कितनी एक्स इसका क्या हो जाएगा 2x दोगुना कह रहा है तो हो जाएगा 2x 3 अधिक है तो 2x में कितना हो जाएगा 3 बस क्वेश्चन हो गया बर्तनों की संख्या एक्स है और लागत कितनी है 2 + 3 है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे एक एक्स हो जाएगा और 2x + 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास दिया 3 है तो कुल निर्माण लागत कितनी 90 रुपए तो 90 हो गया हमारा यहां पर। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे 2 और एक्स गुणा कितनी 2x² आगे प्लस क्या हो जाएगा 3x बराबर में 90 दिया 90 दिलाएगा तो 2x² प्लस हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 90 इक्वल्स कितना हो जाएगा 0 अब हमें करना क्या 9 2 कितना होता है 18
तो 18 यानी 180 का हमें फैक्टर निकालने हैं, तो 29 का कितना हो जाएगा 18 90 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 3 से 3 वन जा 3, 35 15, 35 15, 5 वन जा 5, हमें घटाने पर 3 लाना है और गुणा करने पर 180 आए। तो देखो करो, घटाने पर 3 आएगा, 2 दूनी 4, तो 4 3 12, 12 और 5 3 15, 15 से अगर हम 12 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 12 15 की गुणा करा के देख लो, 12 और 15, 15 दूनी 30 का 0 आसे लगे, 3 15 15 3 18 180 आ जाएगा, मतलब कि 15 माइनस 12 करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15 से 12 हमने घटा दिए तो 3 बन जाएंगे, और 12 और 15 की गुणा करेंगे तो हमारा इनका गुणनफल प्राप्त हो गया, 90 और 2 का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल्स 0, तो 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, तो चलिए इधर देखते हैं, इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, x मिलेगा कॉमन, तो जब x कॉमन मिलेगा तो हमारा बचेगा क्या, यहां पर जो x कॉमन निकल जाएगा 2x बचेगा, 2x हो गया, यहां पर क्या बचेगा प्लस का 15 बचेगा, ये लिख दिया। उसके बाद में यहां पर इसमें से कॉमन क्या मिलेगा 12, और हमें कॉमन लेना कितना आना 2x, 6 कॉमन मिल जाएगा, तो 6 और 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा माइनस 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 2x बचेगा, ये माइनस ही माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और कितना जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, देख लो 6 कम 6 3 बचेंगे, फिर कितना आ जाएगा 4 बचेंगे, 3 बचेंगे तो कितना जाएगा 56 30, 15 हो जाएगा बराबर कितना 0, ये एक ब्रैकेट लिख लेंगे 2x प्लस 15, इधर क्या जाए एक्स माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0 एक बार करेंगे और एक्स माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, आ जाएगा 2x 15 उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस का 15 बटे कितना हो जाएगा 2, इधर क्या जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 6, तो एक्स बराबर 6 हमारा है प्लस का और ये हमारा दिया है माइनस का, तो प्लस का मान्य होता है यानी बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, या लिख दो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो देखिए अब यहां पर क्या है, बर्तनों की संख्या एक्स बराबर कितने लिख रहा है 6, 6 बर्तन थे तो लिखेंगे अतः डाल दो यहां पर अतः बर्तनों की संख्या, लेकिन पूछ क्या रहा था बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, बर्तनों की संख्या 6 और उनकी लागत कितनी आ जाएगी, देखो 2x प्लस 3 था तो लिखेंगे 2x प्लस 3, 2 गुणे कितना हो जाएगा, x का मान कितना दिया 6 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना जाएगा 15, तो कितने 15 रुपए की लागत, यानी कि 6 बर्तन जब बनेंगे तो 15 रुपए की लागत आएगी। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हो गए, आपके 4.2 कंप्लीट हो गए।